आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आज आपने भी ये चीज नोटिस की होगी कि मेरे यहाँ पे 100K मतलब 1 लाख सब्सक्राइबर्स आज पूरे हो गए हैं। और आज जो मैं इस मुकाम पे आज पहुंचा हूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही धन्यवाद बोलने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, आप लोग अगर वीडियोज नहीं देखते या आप लोग मुझे खुद सजेशन नहीं देते कि आप लोगों की किस टाइप का कंटेंट पसंद है, तो आज मैं यहाँ पे नहीं पहुंच पाता। तो आप सभी का बहुत बहुत मेरे दिल से धन्यवाद जो आप लोगों ने मुझे यहाँ पे पहुंचाया। और बहुत जल्दी मुझे पता है आप लोगों के सपोर्ट के साथ मैं यहाँ पे 1 मिलियन और 10 मिलियन भी बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनंतप्रिया सोनी और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल AVS Tech अनंतप्रिया सोनी में। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं ऑलवेज आपके लिए मनी मेकिंग टिप्स और ट्रिक्स यहाँ पे लेके आता रहा करता हूँ। आपने यहाँ पे मेरा चैनल चेक किया होगा, यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट टाइप के वीडियोस बताता हूँ जहाँ पे आपको मनी मेकिंग से रिलेटेड हर टाइप के वीडियोस आपको दिया करता हूँ कि आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, ड्रॉप सर्विसिंग कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम जॉब्स आपको बताता हूँ, शॉपिफाई में अगर आप स्टोर क्रिएट करना चाहते हैं, वर्डप्रेस में अगर स्टोर क्रिएट करना चाहते हैं, ये सारी अपॉर्चुनिटीज मैं यहाँ पे बताता हूँ। कुछ मैंने यहाँ पे वीडियोस ऐसे भी बनाए हुए थे जिसमें मैंने आपको बताया था सिंपल सा कॉपी पेस्ट जॉब करके, जैसे आप एक ये वीडियो देख सकते हैं कॉपी पेस्ट जॉब वाला, एक ये देख सकते हैं कि आप अपना एक वीडियो का चैनल बना सकते हैं और वहां पे सिंपल सा कॉपी पेस्ट जॉब रहेगा, कहीं से आपको फ्री ऑडियोज निकालने हैं, कहीं से आपको फ्री वीडियोज निकालने हैं और उन सभी को मर्ज करके आप एक अच्छा खासा एक चैनल बना सकते हैं और उस चैनल से अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो अगर आपने ये दो वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो ये वीडियो भी आप जरूर देखिए, क्योंकि ये दोनों वीडियो आपके बहुत काम आ सकते हैं। अगर आप चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये वीडियो एक बार जरूर देखना है। तो आज भी मैं आपके लिए एक ऐसा ही ट्रिक लेके आया हूँ जहाँ पे आप ऑब्वियसली बात है कि चैनल भी बना सकते हैं और उसमें भी आपको सेम टू सेम चीज रहेगी कि आपको सिंपल सा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा और उन सारी चीजों को आपको मर्ज करके और एक आपका वीडियो बनके तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, उस पूरे प्रोसेस में ये हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको अभी सॉरी बोलता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही वीडियो में आपको सारी चीजें यहाँ पे बता दूं। तो मैं यहाँ पे कुछ पहले वीडियो शो कर दिया करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है टॉप 10। अब यहाँ पे टॉप 10 लिखने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि जो भी वीडियोस रहेंगे, जैसे ये एक वीडियो है कि 12 घंटे पहले ये पोस्ट हुआ है और तकरीबन इस पे 25,000 इस पे व्यूज आ गए, ये एक दिन पहले हुआ है इस पे 21,000 व्यूज आ गए। यहाँ पे ऐसे ही अगर आप टॉप 10 वाला कोई भी वीडियो देखेंगे, ये एक महीने पहले यहाँ पे पोस्ट हुआ है, 12 मिलियन व्यूज है, फिर यहाँ पे 750K, 1.5 मिलियन, 1.4 मिलियन, 2.6 मिलियन, जो भी वीडियोस चेक करेंगे जिनमें टॉप 10 है या टॉप 20 एक लिस्ट बताई गई है, उसमें अच्छे खासे व्यूज हैं। यहाँ पे आप कोई भी वीडियोस चेक कर लीजिए, जैसे आप ये देख रहे हैं टॉप 10 मिस्टीरियस मरमेड साइटिंग्स अराउंड द वर्ल्ड, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो भी आपको टॉप 10 स्कैरी किट शो फ्रॉम द 90s, तो यहाँ पे जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही है उसमें आप देखेंगे, ये तो आप देख सकते हैं 7 मंथ पहले एक वीडियो पोस्ट हुआ था और इसमें तकरीबन 100 मिलियन व्यूज, तो आप एक चीज तो समझ सकते हैं कि इसमें आपको अच्छे खासे व्यूज मिल सकते हैं, और अच्छे खासे नहीं बहुत अच्छे व्यूज मिल सकते हैं, सिर्फ आपको कंटेंट बनाना है और यहाँ पे ऑलरेडी लोग इस चीज को सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप ने जैसे टॉप 10 लिखा, टॉप 10 के बाद आपको सिंपल सा एक आप गैप देंगे, फिर आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा किस किस टाइप की लोग यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। उसके बाद अगर आप कोई भी यहाँ पे अल्फाबेट टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे S टाइप किया, तो S से रिलेटेड यहाँ पे लोग क्या सर्च कर रहे हैं, तो वो आपको कीवर्ड मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं साईफाई मूवीज है, सर्वाइवल मूवीज है, टॉप 10 स्कैरी यहाँ पे आ गया, सेट सॉन्ग आ गया, सीरीज आ गया, फिर यहाँ पे आप जो भी चीज करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे M टाइप करता हूँ तो म्यूजिक आ गया, मोस्ट आ गया, तो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे सिर्फ मोस्ट लिख दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे एक और करेंगे तो मोस्ट डेंजरस डॉग्स आ गया, पावरफुल पोकेमैन आ गया, तो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे टॉप 10 अमेजिंग आ गया, तो यहाँ पे आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं कि इन पे अगर आप बनाते हैं तो आपको अच्छे खासे व्यूज आने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें चैनल्स की,
जैसे आप यहाँ पे टॉप 10 चैनल्स भी मैंने सर्च किए हैं कि टॉप 10 चैनल्स को अगर हम देखा जाए कि उसमें कैसे सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे सब्सक्राइबर भी देख सकते हैं, तकरीबन 2.8 मिलियन है, 6.19। आप यहाँ पे किसी में भी देखेंगे, आप अगर किसी में भी देख रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे किसी में भी देखिए, यहाँ पे 1.2K है, ये शायद अभी चैनल नया हो सकता है या फिर ये कंटेंट इतना अच्छा प्रोवाइड नहीं कर रहे होंगे। मैं आपको आगे ये सारी चीजें भी बताऊंगा कि आपको कंटेंट अच्छा कहां से मिलेगा। आपको कंटेंट भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसी साइट्स बताऊंगा कि जहां पे 100% रियल और एकदम परफेक्ट कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। तो यहां पे आप देख सकते हैं, बाकी किसी में भी आप देखेंगे तकरीबन 56.7, 1.53 मिलियन, 8.18K, और यहां पे आप जो भी देखेंगे सभी में अच्छे खासे यहां पे सब्सक्राइबर्स भी हैं। मतलब सब्सक्राइबर्स तो हैं, व्यूज भी अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं और चैनल्स में आपको सब्सक्राइबर भी दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप टॉप 10 से रिलेटेड कोई भी लिस्ट यहाँ पे क्रिएट करते हो तो आपके अच्छे खासे व्यूज आने के चांस है। तो अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम टॉप 10 लिस्ट कहाँ से लेके आए या टॉप 20 की जो लिस्ट है वो हम कहाँ से लेके आए, तो यहाँ पे आपको एक साइट में बता दिया करता हूँ जिसका नाम है लिस्टवर्स। यहाँ पे आप चेक करेंगे, ये तो मैंने एक कोई आर्टिकल यहाँ पे ओपन किया था, आप यहाँ पे चेक करेंगे तो इस साइट का मैं ट्रैफिक भी दिखा दिया करता हूँ, ट्रैफिक इसका कितना है। तो आप इस साइट का ट्रैफिक देख सकते हैं, 5 मिलियन इस पर मंथ लोग यहाँ पे आते हैं, और जो भी कंटेंट यहाँ पे पोस्ट होता है वो कंटेंट पे आप यहाँ पे देख सकते हैं 303 कमेंट्स, 24 कमेंट्स, और ये बिल्कुल नए हैं, मतलब ये जो बिल्कुल अभी रिसेंटली पोस्ट हुए हैं ये वो सारे आर्टिकल्स हैं। फिर आपको यहाँ पे कैटेगरीज भी मिल जाएंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मान लीजिए स्कैरी अकेला करना है, कि यहाँ पे आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ स्कैरी आपको यहाँ पे करना है, तो आपको अगर स्कैरी से रिलेटेड भी अगर चाहिए है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कैरी वाले वीडियोस आ गए, तो आपको ये वीडियोस स्कैरी वाले कहां मिलेंगे, तो अगर आपको ये स्कैरी वाला कंटेंट चाहिए है, तो भी वो सारी चीजें आपको यहां पे मिल जाएंगी। जैसे आप यहां पे कैटेगरीज देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट में, जनरल नॉलेज में, अगर आप फैक्ट्स से रिलेटेड बनाते हैं क्योंकि फैक्ट्स वगैरह भी लोग देखना ज्यादा पसंद करते हैं, उसके बाद अगर आप लाइफस्टाइल से रिलेटेड करना चाहते हैं, साइफाई से करना चाहते हैं, मतलब साइंटिफिक वाले करना चाहते हैं, सोसाइटी से करना चाहते हैं, और भी यहां पे बहुत सारे इस टाइप की फील्ड्स हैं। अब यहां पे आपको स्कैरी भी मिल जाएगा, आपको सिंपल सा यहाँ पे सर्च करना है स्कैरी, तो आपको यहाँ पे स्कैरी से भी रिलेटेड आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने सिंपल सा यहाँ पे स्कैरी सर्च किया, टॉप 10 स्कैरी फैक्ट्स अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर यहाँ पे टॉप 10 स्कैरी होल्स विद डेडली पास्ट, तो यहाँ पे आपको कंटेंट पूरा बना बनाया मिल रहा है, आपको कंटेंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जिस टाइप का भी वीडियो बनाना है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कंटेंट ढूंढना है। अब इसके बाद आपको कंटेंट भी मिल गया, मान लीजिए आपको यहाँ पे कंटेंट मिल गया, कंटेंट मिलने के बाद जो आपको नेक्स्ट चीज की जरूरत पड़ेगी वॉइस की, तो यहाँ पे मान लीजिए हम कोई भी एक आर्टिकल ले लिया करते हैं, जैसे इस आर्टिकल को ही मैं चेक कर लिया करता हूँ, टॉप 10 टेरिबल डेथ्स कनेक्टेड टू सोशल मीडिया। अब ये अगर आप कहीं भी कंटेंट पोस्ट करते हो तो ऑब्वियसली बात है कि इसको ज्यादा से ज्यादातर लोग इसको सुनना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, जरूर 100% है कि लोग इसको जरूर पसंद करेंगे। और आप ये आर्टिकल भी देख सकते हैं कि ज्यादा पुराना नहीं है, ये तकरीबन 29 मार्च 2020 का ये आर्टिकल है और ये ज्यादा पुराना नहीं है, और आप इस पे देख सकते हैं 139 कमेंट्स इस पे ऑलरेडी आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे कंटेंट भी मिल गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस भी कैटेगरी में चाहिए है आपको, उस कैटेगरी से रिलेटेड आप यहाँ पे कंटेंट देख सकते हैं। अगर वो कैटेगरी नहीं मिल रही है तो आप सिंपल सा यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे कंटेंट मिल गया, कंटेंट मिलने के बाद जो नेक्स्ट चीज है कि इसको आपको वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हमको लुकिंग लाइक ह्यूमन वॉइस चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे टूल्स फाइंड करने की कोशिश की है, जैसे मैंने इसको यहाँ पे पोस्ट किया, यहाँ पे भी मैंने सोचा कि इसमें कैसी वॉइस आ रही है, वो चीज भी मैं यहाँ पे चेक कर लिया करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने चेक किया था तो यहाँ पे इतनी अच्छी वॉइस नहीं आ रही थी, आपको भी मैं थोड़ा सा प्ले करके यहाँ पे दिखा दिया करता हूँ। Instagram creating a frenzy on the internet. The beginning of the story does not sound. तो अभी आपने सुना कि जो भी आपको वॉइस यहाँ पे सुनाई थी वो आपको कंप्यूटराइज सुनाई दे रही थी, क्योंकि हमको यहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमन वॉइस चाहिए है। तो यहाँ पे अगर आप इस चीज को खुद रिकॉर्ड कर सकें कि अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी अच्छी है तो आप इसको अगर खुद रिकॉर्ड कर सके, जैसे कि यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है अगर आप उसको सिंपल सा पढ़ सकें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अर्लियर दिस ईयर द डेथ ऑफ
थ्री रशियन एट द बर्थडे पूल पार्टी वॉज अनाउंस्ड ऑन इंस्टाग्राम। तो अगर आप इस टाइप से पढ़ सकते हो तो ये बहुत ही ज्यादा परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपकी रियल वॉइस रहेगी। तो अगर आप नहीं पढ़ सकते हो तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट टू ऑडियो कन्वर्टर यहाँ पे मैंने सर्च किया, बहुत सारे यहाँ पे टूल्स मिले, बहुत सारे टूल्स को मैंने यहाँ पे ट्राई भी किया, जैसे आप ये टूल देख रहे हैं, और भी यहाँ पे ऐसे टूल्स थे जिनको मैंने बहुत सारे टूल्स को ट्राई किया, लेकिन जो सबसे परफेक्ट टूल मुझे लगा वो टूल ये था। यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी ट्राई करके देख चुका हूं, मैं ये कंटेंट जो आप देख रहे हैं ना, ये कंटेंट इसका ही एक पार्ट है। यहाँ पे आपको मैं दिखा दिया करता हूँ, जैसे आप ये देख रहे हैं 10 नंबर जो पॉइंट्स है यहाँ पे है इन्फ्लुएंसर्स बर्थडे पूल पार्टी ड्रोनिंग। तो यहाँ पे जो मैंने जो पैराग्राफ यहाँ पे यूज किया है वो इसका ही मैंने ये पूरा यहाँ पे पैराग्राफ लिया हुआ है। आप यहाँ पे ये चीज मैच भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको किस टाइप से लिखना है, जैसे आप यहाँ पे क्या क्या चीजें आप रिमूव कर सकते हैं इस प्रोसेस में, जैसे कि अगर हम इसको थोड़ा सा सुन के देखते हैं, यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप पेड वर्जन में नहीं भी जाना चाहते तो आप फ्री में बहुत अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे अगर इसके प्लान्स की बात करें हम, तो प्लान्स भी मैं यहाँ पे दिखा दिया करता हूँ कि अगर आप फ्री प्लान में हैं तो भी आप यहाँ पे 20 मिनट्स पर डे, मतलब जो हमारा वीडियो बनेगा वो ऑब्वियसली बात है कि 20 मिनट से ज्यादा का वीडियो हमारा बनेगा नहीं, मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट्स का आपका वीडियो बनेगा। तो अगर आप एक दिन में दो वीडियो भी बना सकते हैं तो भी आप वहां पे प्रीमियम वॉइसेस का यूज कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे चेक करोगे ना, तो यहाँ पे तीन टाइप की वॉइस होती है, फ्री वॉइस, प्रीमियम वॉइस और प्लस वॉइस। तो यहाँ पे जो प्रीमियम वॉइस है वो भी बिल्कुल ह्यूमन वॉइस की तरह रहेगी, अभी मैं आगे आपको सुनवाऊंगा वो चीज। तो आप यहाँ पर डे 20 मिनट्स प्रीमियम वॉइस का यूज कर सकते हैं, और अगर आप फ्री वॉइस में जाना चाहें तो यहाँ पे अनलिमिटेड है। लेकिन अगर आप हिंदी में यहाँ पे करना चाहते हैं तो हिंदी आपके लिए यहाँ पे प्लस में अवेलेबल है, जैसे यहाँ पे मैंने हिंदी भी ट्राई किया था तो यहाँ पे प्लस में अवेलेबल है। तो अगर आप हिंदी में जाना चाहें तो हिंदी के लिए आपको प्लस प्लान इसका लेना पड़ेगा, उसका भी मैं आपको अल्टरनेट बताऊंगा कि अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप प्रीमियम प्लान में जाते हैं, ये कुछ $8-9 के हैं। अभी मैं आपको स्टार्टिंग में प्रीमियम और प्लस प्लान में जाने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए एक दिन में दो वीडियो इनफ है। अगर आपको इसके अलावा कोई और टूल मिलता है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। बाकी ये जो है naturalreaders.com, ये मुझे थोड़ा सा ज्यादा अच्छा पसंद आया। अब मैं इसको आपको सुना दिया करता हूँ कि इसमें आपकी वॉइस कैसे आ रही है, और यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो ये मैंने अभी यहाँ पे सिलेक्ट किया है, और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अभी इसको सिलेक्ट किया, अब मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखा दिया करता हूँ कि ये कैसा प्ले हो रहा है। नंबर 10, इन्फ्लुएंसर्स बर्थडे पूल पार्टी ड्राउनिंग्स। Earlier this year, the death of three Russians at a birthday pool party was announced on Instagram, creating a frenzy on the internet. The beginning of the story does not sound that unusual until you realize that about 25 kilograms, 55 pounds of dry ice were dumped into the pool. In the aftermath of the tragedy, Yekaterina Dedenko. तो अभी आपने सुना कि जो भी आपको वॉइस यहाँ पे सुनाई दे रही है वो वॉइस मुझे 100% ह्यूमन वॉइस लग रही है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटराइज लगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ये एक ब्रैकेट यहाँ पे था, तो आप चाहें तो इस ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, आप यहाँ पे इस चीज को भी हटा सकते हैं, क्योंकि ये तो उन्होंने आर्टिकल लिखा था तो उन्होंने उसको इस टाइप से लिख दिया। आपको जो चीजें नहीं यहाँ पे, जिन चीजों की जरूरत नहीं है वो चीजें आप यहाँ पे हटा भी सकते हो। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपने ये पूरा रिकॉर्ड कर लिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे यहाँ पे अगर आपकी लिमिट खत्म हो गई है तो उसका भी मैं एक आपको अल्टरनेट बता दिया करता हूँ। आपको सिंपल सा यूज करना है किसी भी एक स्क्रीन रिकॉर्डर टूल का। अभी चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है तो मैं यहाँ पे दूसरी रिकॉर्डिंग ऑन द स्पॉट नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एक चीज पहले यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखी हुई है। मैं आपको यहाँ पे इस चीज को भी सुना दिया करता हूँ, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑलरेडी की हुई थी इसी चीज की। तो आप भी चाहें तो इसी टाइप से कोई एक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे सिंपल सा आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो स्क्रीन पे कैप्चर हुआ है इसकी हमको बिल्कुल भी यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सिंपल सा आपको जरूरत किन चीजों की पड़ेगी कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक वॉइस की जरूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ पे लूम्स का यूज कर सकते हैं या कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर आपको मिल जाए, आप
उस स्क्रीन रिकॉर्डर का यूज कर लीजिए, या फिर वॉइस रिकॉर्डर का भी आप चाहें तो वॉइस रिकॉर्डर का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग भी मैं आपको यहाँ पे सुना दिया करता हूँ। नंबर 10, इन्फ्लुएंसर्स बर्थडे पूल पार्टी ड्राउनिंग्स। अर्लियर दिस ईयर, द डेथ ऑफ 3 रशियंस एट अ बर्थडे पूल पार्टी वाज अनाउंस्ड ऑन इंस्टाग्राम, क्रिएटिंग अ फ्रेंजी ऑन द इंटरनेट। The beginning of the story does not sound that unusual until you realize that about 25 kilograms, 55 pounds of dry ice were dumped into the pool. तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही छोटा सा पार्ट इसका रिकॉर्ड किया था। आप इस टाइप से ही पूरा का पूरा ये जो ब्लॉग यहाँ पे लिखा हुआ है, इस टाइप से आप पूरा ब्लॉग का यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे टॉप 10 पूरे ये दिखाई दे रहे हैं, ये टॉप 10 जो भी हैं आपको पूरे के पूरे यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेने हैं। और रिकॉर्ड करने के बाद आपको एक और चीज, किस चीज की जरूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी आपको इमेजेस की। तो आपको इमेजेस भी ये सेव कर लेना है, क्योंकि ये इमेजेस को आप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इनको यूज नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जो इमेजेस इन्होंने ली हुई हैं, ये किसी ना किसी और सोर्सेस से ली हुई हैं। तो जब भी आप इन इमेजेस को यूज करो तो आप यही क्रेडिट आपको उनको देना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है फोटो क्रेडिट, तो ये आपको अपने वीडियो में भी आप डाल सकते हो। और आप चाहो तो सिंपल सा इस पूरा का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये आपकी इच्छा है कि आप यहाँ पे फोटो क्रेडिट भी साथ में दिखाना चाहते हो, और आपके में ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप से डाल सको, तो आप इसका पूरा यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे दो इमेजेस या एक ही इमेज की अभी तो हमको जरूरत है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट इसका यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ पे आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक इमेज और दूसरा कंटेंट। तो कंटेंट आपको मिल गया, इमेज आपको मिल गई, आपको यहाँ पे वॉइस भी मिल गई, और आप इसको MP3 को डाउनलोड भी कर सकते हैं। अभी यहाँ पे चूंकि अकाउंट वगैरह क्रिएट करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। जैसे अगर हम फ्री पे यहाँ पे करके देख लिया करते हैं कि फ्री वाले में यहाँ पे अभी डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ये बता रहा है अभी नॉट अवेलेबल बता रहा है, तो अभी हम इसके लिए छोड़ दिया करते हैं। एक इसका अल्टरनेट है कि अगर ये MP3 डाउनलोड नहीं होती, आप यहाँ पे अकाउंट भी क्रिएट कर लिया करते हैं। जैसे यहाँ पे आप जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, आप एक बार यहाँ पे लॉगिन करके देख लेना कि लॉगिन के बाद ये चीज डाउनलोड हो रही है या नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो आप किसी भी टूल का यूज कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्डर का आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप लूम का यूज कर सकते हैं। जैसे एक और प्लेटफॉर्म होता है लूम, आप यहाँ पे जाएंगे लूम करके आप यहाँ पे सर्च करेंगे, तो यहाँ पे फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर एक ये लूम है, आप इसकी एक्सटेंशन डाल के रख लीजिए, आपने इसमें डाउनलोड कर लीजिए इसको, गेट लूम फॉर फ्री, इसकी एक एक्सटेंशन यहाँ पे आ जाएगी, और उसके थ्रू आप स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आपको इमेज मिल गई, आपके पास ऑडियो आ गई, अब आपको नेक्स्ट काम क्या करना है वो चीज भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया करता हूँ। तो इसके बाद जो नेक्स्ट आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी आपको किसी भी एक वीडियो एडिटर टूल की। तो मैंने आपको एक फ्री टूल आपको ऑलवेज यहाँ पे रिकमेंड किया है, ये ओपन सोर्स और 100% फ्री टूल है। आप इसको मैक में भी यूज कर सकते हैं, विंडोज में भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ तक कि अगर आपके पास लिनक्स है तो आप लिनक्स में भी इसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो इस फ्री टूल को आप यूज कर सकते हैं और आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चूंकि अभी मैं जिस टूल का यूज करूंगा वो iMovie है, चूंकि मैं अभी मैक पे हूँ और मुझे इसके साथ ये टूल यहाँ पे फ्री मिला हुआ है। तो ये आपकी इच्छा है कि आप यहाँ पे कौन सा टूल यूज करना चाहते हैं। मैं आपके लिए यही रिकमेंड करूंगा कि आपके पास अगर पैसे नहीं है, आप बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ओपन सोर्स का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप थोड़ा बहुत भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहें तो आप यहाँ पे मोवावी का भी यूज कर सकते हैं। मोवावी की कॉस्ट तकरीबन 1800 कुछ है, ये आप यहाँ पे देखेंगे, ये मुझे 1800 कुछ दिखाई दे रहा है। अब इस पे कोई कूपन वगैरह कुछ अवेलेबल हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आप मोवावी का वीडियो एडिटर या इसका आप पूरा सेट खरीदना चाहें तो ये भी एक बहुत अच्छा वीडियो एडिटर टूल है। इससे पहले जब तक मैंने मैक लैपटॉप नहीं परचेज किया था, तब तक मैं इसको ही यूज किया करता था। तो ये अगर आपको कहीं से मिल जाए तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप ओपन सोर्स का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी इच्छा है कि आपको कौन सा यूज करना है। हम जो यहाँ पे यूज करने वाले हैं, यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं iMovie का। जो भी मैं यहाँ पे एक्टिविटी करूंगा वो सेम, सारे सॉफ्टवेयर सेम रहा करते हैं, आपको हर चीज सेम टू सेम करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे उन फाइल्स को इम्पोर्ट करना है जो भी हमने यहाँ पे
क्रिएट की हुई थी। तो जैसे मैं यहाँ पे जो भी फाइल्स थी, ये एक वो फाइल है जो कि हमने इमेज यहाँ पे ली हुई थी, और सेकेंड ये वो है जो कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमने यहाँ पे क्रिएट की हुई थी। तो इन दोनों को मैं इम्पोर्ट कर लिया करता हूँ। अगर आपने कोई MP3 डाउनलोड की है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो मैंने यहाँ पे फाइल यहाँ पे रिकॉर्ड की हुई थी, ये मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। इसके ऊपर आपकी ये इमेज रहेगी, तो मैं यहाँ पे इमेज को भी लेके आ जाता हूँ, और साथ ही साथ इस इमेज को मैं एट लास्ट तक यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। आप चाहें तो इसमें अगर आपको कोई एनिमेशन वगैरह लगता है तो आप इसमें एनिमेशन वगैरह भी कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। बाकी अगर आप एनिमेशन नहीं भी करते हैं तो भी यहाँ पे आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अब आपको सिंपल सा करना क्या है कि जो भी आपकी रिकॉर्डिंग थी, जैसे इसका आपको फर्स्ट पार्ट जो है ये आपको यहाँ पे स्प्लिट क्लिप करेंगे, तो ये वाला जो पार्ट है ये आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ पे वो फोटो भी डिलीट हो गई है। तो यहाँ पे फोटो हम फिर से लेके आ जाते हैं, तो ये हमारी यहाँ पे फोटो आ गई है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमको वीडियो की जरूरत भी नहीं है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से आप ऑडियो और वीडियो फाइल को अलग अलग कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे डिटेच ऑडियो पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑडियो अलग हो गया और वीडियो अलग हो गया। तो आप अगर चाहें तो उस वीडियो को भी आप रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी सिर्फ इमेज बची और हमारा जो ऑडियो था ये दोनों बची हुई है। अब आप इसको प्ले करके देख सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके देख लीजिए, और बीच में जो ये गैप आ रहा है, आप चाहें तो इस गैप को भी आप यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा, स्प्लिट क्लिप करूंगा, साथ ही यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे मैं फिर से स्प्लिट क्लिप करूंगा, और जो ये बीच का पार्ट था ये मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। तो आप इस तरीके से इसको पूरा यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक बार सुन के देख लिया करते हैं कि यहाँ पे जो हमारी ये क्लिप थी ये किस टाइप से शो हो रही है, और आपको यहाँ पे एनिमेशन डालना है, आपको यहाँ पे ट्रांजिशन डालना है, टेक्स्ट डालना है, आपको जो भी चीजें यहाँ पे डालना है वो सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। अब आपको लगता है कि यहाँ पे ट्रांजिशन की आपको जरूरत है, या आपको लगता है कि ट्रांजिशन वगैरह आपको यहाँ पे डालना है, तो आपको सिंपल सा यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको कट करते जाना है, जहां भी आपको लगता है कि कोई भी ट्रांजिशन की जरूरत है तो आप यहाँ पे ट्रांजिशन भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्प्लिट किया और एक और कोई यहाँ पे ट्रांजिशन मैं यहाँ पे ऐड कर दिया करता हूँ, तो ये ट्रांजिशन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मैं एक बार आपको इसको थोड़ा सा प्ले करके दिखा दिया करता हूँ कि अभी जो हमारा वीडियो बना है वो किस टाइप से बना है। Yes, we exhale when we breathe out. Earlier this year, the death of three Russians at a birthday number 10 influencer's birthday pool party drownings. Earlier this year, the death of three Russians at a birthday pool party was announced on Instagram, creating a frenzy on the internet. The gas we exhale when we breathe out that is frozen at a temperature of -78°C. आपने अभी देखा कि यहाँ पे आपका वीडियो पूरा बनके तैयार हो जाएगा। इसी टाइप से आपको बाकी जो भी है ना, मतलब बाकी अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे एक पार्ट यहाँ पे करके दिखाया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये गेस्ट डेथ वाला पार्ट था ये सिर्फ मैंने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है। आपको इसी टाइप से ये सारे पूरे पार्ट्स को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेना है, और रिकॉर्ड करने के बाद का जो सेम प्रोसेस है कि आपको इसी टाइप से यहाँ पे बाकी यहाँ पे जैसे अभी यहाँ पे सिर्फ इतना पार्ट आया है, इसके बाद आपको यहाँ पे जो है वो सेकेंड इमेज को यूज करना है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकेंड जो आपकी इमेज रहेगी वहां पे आपका ये बंदे की इमेज आएगी। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा करना क्या है, आपको इसी टाइप से पूरा प्रोसेस करते जाना है। फर्स्ट में आपकी ये इमेज आ गई, साथ में आप यहाँ पे चाहते हैं कि आपके टाइटल्स भी आए, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा टाइटल्स में जाना है, और टाइटल्स में आपको जो भी टाइटल लगता है उस टाइप का आप यहाँ पे टाइटल ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको जो भी इनमें से लगता है वो टाइटल आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। जैसे एक बहुत ही सिंपल सा हम ये वाला टाइटल यहाँ पे ले लिया करते हैं, और ये वाला हम टाइटल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो जब ये वीडियो स्टार्ट होगा, या फिर आपको जहां पे भी ये लगाना है, जहां से भी ये नंबर 10 स्टार्ट हो रहा है, आप वहां पे इसका टाइटल भी दे सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे इसका नेम यहाँ पे कॉपी कर लिया करता हूँ, तो ये जैसे इसका नेम है, तो मैं यहाँ पे इसका नेम मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पे एडिट कर दिया करता हूँ। तो आप यहाँ पे चाहें तो इसकी जगह पे आपको सिंपल से लिखना है 10 एंड यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, और आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ये हटा भी सकते हैं। और आपको अगर इसका लगता है कि थोड़ा बहुत आपको बड़ा छोटा करना है तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉन्ट वगैरह आपको चेंज करना है तो फॉन्ट वगैरह भी सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसका फॉन्ट भी चेंज कर दिया, तो आपको जो चीजें लगती है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे चेंज कर देना है, और आपका ये आपको कितने टाइम तक रखना है वो चीज भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 9.1 सेकंड आ गया कि आपका 10 सेकंड तक ये दिखाई दे, तो आपको इस टाइप से
हर चीज आपको एकदम परफेक्ट वे में करना है कि जहां पे भी आपका ये नंबर 10 बोल रहा है, जैसे मैं यहां पे करके और इसको एक बार प्ले करके देखता हूं। Earlier this year, the death of three Russians at a birthday pool party was at number 10, influencer's birthday pool party drownings. Earlier this year, the death of three Russians at a birthday. तो अभी ये थोड़ा सा आगे आ गया है, हमको इसको थोड़ा सा और यहां से पीछे लेके जाना है। तो जैसे ये यहां पे है और यहां पे आपको चेक कर लेना है कि कहां पे शुरू हो रहा है। जैसे आप यहां पे वॉइस का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां से ये शुरू हो रहा है, तो आपको यहां पे ही ये चीज यहां पे ऐड करनी है। अभी हम इसको फिर से यहां से प्ले करके चेक कर लिया। Number 10, influencer's birthday pool party drownings. तो अभी आपने देखा कि जो भी हमारा यहाँ पे कंटेंट शो हो रहा था कि जहाँ पे इसने नंबर 10 बोला वहाँ पे आपका ये टाइटल भी आ रहा है। तो इसी टाइप से आपको सारी चीजें करना है कि सिंपल सा आपको यहाँ पे एक आपको ऑडियो डाल देना है, साथ में यहाँ पे एक इमेज डाल देना है। तो इस टाइप से आपका पूरा वीडियो यहाँ पे बन के क्रिएट हो जाएगा। देन आपको एज अ फाइल यहाँ पे सेव कर लेना है और जो भी इसका नाम है उस नाम से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे इसका नाम ये है तो मैं यहाँ पे सिंपल सा इसका नाम दे दूंगा, और आप चाहें तो इसको आप डायरेक्ट भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे ज्यादातर में ऑप्शंस होता है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट यूट्यूब में, फेसबुक में और साथ में यहाँ पे वीमियो में आप यहाँ पे डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आपको सिंपल सा फाइल को एक्सपोर्ट कर लेना है। तो मैं मान लीजिए इस फाइल को सिंपल सा यहाँ पे एक्सपोर्ट करूंगा और ये मेरी फाइल यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा नेक्स्ट करूंगा और ये मेरी फाइल यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगी। आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको कम से कम 72p यहाँ पे रखना है। अगर आपको YouTube पे अपलोड करना है तो ऑब्वियसली बात है थोड़ी बहुत अच्छी क्वालिटी होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे कम से कम 72p में आपको यहाँ पे वीडियोस को करना है, और आपको ऑडियो का ज्यादा ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे हमारी मेन चीज जो है वो ऑडियो ही है। एंड देन आप इसको जैसे ही नेक्स्ट करते हैं देन आपको यहाँ पे सेव का ऑप्शन आता है और आपकी फाइल यहाँ पे कुछ टाइम बाद यहाँ पे बनके तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी फाइल बनके तैयार हो जाएगी एंड देन आपको इसको यूट्यूब में अपलोड करते जाना है। अभी मैं इसको फिलहाल के लिए कैंसिल कर दिया करता हूँ। मैंने सिर्फ आपको जस्ट एग्जाम्पल देने के लिए ये पूरा प्रोसेस बताया है। अब आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि कहाँ से आपको कंटेंट लेना है। जैसे कि मैंने आपको आया कि आप लिस्ट वर्स पे जाएंगे, आपको पूरा का पूरा टॉप 10 वाला जो भी कंटेंट है आप यहाँ पे देखेंगे ना, लिस्ट वर्स पे जो भी कंटेंट मिलेगा मोस्टली देखेंगे कोई भी कंटेंट रहेगा सारे के सारे यहाँ पे टॉप 10 वाले ही आपको मिलेंगे। तो जो भी चीज आपको, आप इसको एक बार एक्सपेरिमेंट करके देखिए, एक महीने के अंदर आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनिटाइज कर लोगे क्योंकि ये चीज इतनी ज्यादा डिमांड में है। और अगर आप आज के आज ही अगर स्टार्ट करते हैं तो अभी आपको पता है कि कोरोना का टाइम चल रहा है और यहाँ पे सभी लोग घर में बैठे हुए हैं तो वो कुछ ना कुछ सर्च करते रहा करते हैं। यूट्यूब आजकल आप देखेंगे बहुत ज्यादा तेजी से चल रहा है, तो अगर आप अभी ये काम स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत अच्छे यहाँ पे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो इच्छा आपकी है, आप जितने जल्दी इसको स्टार्ट करें। और कुछ लोगों का ये भी डाउट हो सकता है कि अगर आप इसी चीज को हिंदी में करना चाहते हैं, मान लीजिए आप कोई भी आर्टिकल यहाँ पे देखते हैं, कोई भी आर्टिकल आप इस पे सर्च करते हैं और आप चाहते हैं कि आप उसको हिंदी में करना चाहते हैं कि आप उसको अपनी लैंग्वेज में हिंदी में आप उसको ट्रांसलेट करके और फिर आप उसका यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक गूगल क्रोम की एक एक्सटेंशन है गूगल ट्रांसलेट करके, मैं ये आपको ओपन करके दिखा दिया करता हूँ। तो ये आपको अपने पीसी में डाल लेना है, आपको अपने क्रोम ब्राउजर में इसको डाल लेना है और यहाँ पे ये डालने के बाद आपको ये आइकॉन यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। देन आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा है ट्रांसलेट दिस पेज, तो आपको सिंपल सा इस ट्रांसलेट दिस पेज पे आपको क्लिक करना है एंड देन आपको यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करना है जिस लैंग्वेज में अभी आपको ट्रांसलेट करना है। तो अभी मैंने यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट किया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी हमारा पेज था वो पूरा का पूरा पेज यहाँ पे हिंदी में आ गया है। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है कि अगर आप किसी और लैंग्वेज में भी करना चाहते हैं तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि अगर आप सेम चीज हिंदी में करना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आई होप सारा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा, उसी को अगर आपको हिंदी में करना है तो वो आपको कैसे मिलेगा, कैसे आपको एडिटिंग करना है, कैसे आपको टाइटल्स डालना है,
कैसे आपको इमेजेस डालना है, सारा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो कैसा लगा उसके लिए भी कमेंट कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कीजिए, ताकि मुझे पता चलना चाहिए कि अगर मैं कोई कंटेंट बना रहा हूं तो वो आप लोगों को कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है। और एक और चीज मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि अगर आपको यूट्यूब से रिलेटेड कोई भी वीडियोस चाहिए हैं, मुझे ये चीज तो पता है कि ज्यादातर लोगों को ये चीज आता होगा कि उनको यूट्यूब चैनल कैसे क्रिएट करना है। अगर आपको यूट्यूब चैनल क्रिएट करना भी नहीं आता है या वीडियोस का एसईओ करना नहीं आता है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, आप यहाँ पे वो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। यूट्यूब से रिलेटेड मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट यहाँ पे बना के रखी हुई है। अगर आपको उसके अलावा कोई डाउट होता है तो आप मुझे यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं यूट्यूब से रिलेटेड यहाँ पे 37 वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए हैं। अगर आपको लगता है कि इसके अलावा आपको कोई और वीडियोस की जरूरत है तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए आपको नए नए वीडियोस यहाँ पे बना के दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए थॉट के साथ और एक नई ट्रिक लेके आपके साथ बहुत जल्दी आता हूँ। और जाते जाते बस एक ही चीज आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल EVS Tech अनंत सोनी पे पहली बार आए हैं और आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि सारे अपडेट्स आपको मिल सकें। थैंक यू दोस्तों।